इसके पीछे काफी लोग इसे मांग रहे हैं। अगर आपको नजर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सारे एग्जीबिशन आए हुए हैं, कुछ गर्मी से सताए हुए या कोई इसका भी मैं सॉफ्ट वगैरह रिंग वगैरह तो कुछ नहीं है, वैसे बॉक्स के अंदर ही बैठा हुआ है वगैरह, अभी कुछ भी नहीं दिए तो जिसकी वजह से अभी असल में नेस्टिंग भी नहीं डाली ना प्रॉपर के कसकत के दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये देखें माशाल्लाह। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सतारिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आपने इससे पहला वीडियो नासिर भाई के सेटअप का जरूर देखा होगा जिसमें डब के पेज दिखाए थे लव बटन दिखाएंगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वो मेरा वीडियो लाजमी देखें। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम नासिर भाई का पिंचेस का सेटअप दिखाएंगे, सारा विजिट करवाएंगे, नासिर भाई हम अपडेट देंगे तो उनके पास कौन कौन से पिंचेस पड़े हैं। तो चलेंगे चैनल को शुरू, वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नासिर भाई मौजूद है। नासिर भाई पहले हमें अपडेट दें कि आपके पास कौन कौन से फिंचेस पड़ी हैं जिसका आप शॉप करते हैं। अपडेट से पहले भी जो है ना लोगों में काफ़ी फिंचेस जो अभी शॉप के लिए ब्रीडिंग स्कीम मेरे पास कोई भी नहीं है, तो ये सेल के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम जो है आपको मैं शॉप पर आया था लेकिन सिर्फ सेल के लिए कुछ नहीं है, कुछ एग्जीबिशन के पेयर होंगे जो सेल के लिए होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करता हूँ आउट से, आउट ये ब्रीडिंग भी कहते हैं। ये तो ऊपर कोने में बैठी हुई है, हाँ जी इसके बारे में बताएंगे, ब्रीडर है नॉन ब्रीडर है क्या है? ये ब्रीडर पेयर है लेकिन ये किसी घर से आया था ब्रीडर, लेकिन अभी मेरे पास ब्रीडिंग की वैसे सीजन आउट हो गया था, अब नेस्टिंग वगैरह देता हूँ इंशाल्लाह, बॉक्स लगा दी लेकिन अभी नेस्टिंग नहीं डाली। सही, इसके नीचे चलते हैं तो इसके नीचे भी एक और आउल फिंच का ही पेयर है। इसके नीचे भी आउल का एक पेयर है, इसको पुरानी नेस्टिंग लगी हुई ब्रीडर पेयर है। सही, और अगर इसके नीचे जाएं तो यहाँ पे भी आउल ही है, मोस्टली आउल लगाई है आपने शायद। और ये पेयर आपको नीचे भी आउल है और ये आउल पत्थर से तैयार किया है, ये भी आउल है, ये भी पत्थर से तैयार किया है, ये हो गया तैयार ब्रीडिंग काफ़ी लगी है। सही, और इससे नीचे क्या है? इसके नीचे ये इज़ाबेल फिंच कहते हैं इसे, इज़ाबेल ये फिंचिंग स्टेशन है। सही, इज़ाबेल फिंच, हाँ जी, लेकिन अपने मेज़बान में काफ़ी लोगों ने अपना नाम रखा हुआ है, लेकिन मेरी मैच को इज़ाबेल फिंच कहता हूँ, हमारे इधर पंजाब में जाते हैं इज़ाबेल फिंच ही कहते हैं। मेल कहाँ पे नहीं आ रही है? मेल है ये, तो ये मेल कौन सा है? फीमेल है और फैंसी ब्यूटी की तरफ से काउंट की जाती है, फैंसी ब्यूटी। अच्छा, इस साइड पे एक ये पेयर नजर आया कोने में, पहले मैंने कहा आपको मैं ये दिखा दूँ, मैं इसका खोलूँ दरवाज़ा, ये वाइट बेंगलाइज का पेयर है। ये एक वाइट बेंगलाइज का पेयर लगा हुआ है। सही, इसको तो बॉक्स वगैरह अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ, वाइट बेंगलाइज के ऊपर दो तीन ही पेयर है। सही, इसकी भी आजकल मार्केट में काफ़ी डिमांड हुई हुई है लेकिन कह रहे हैं कि इम्पोर्ट आने लगी है। नहीं, अभी इम्पोर्ट भी ज़्यादा सख्ती हो गई दोबारा से, इम्पोर्ट इतनी जल्दी नहीं आ रही, एक्सपोर्ट हो रही है अभी, इम्पोर्ट भी अभी शुरू हो जानी है, लेकिन ये फिंचेस के भी इम्पोर्ट नहीं आई, यानी इतनी जल्दी ये नीचे नहीं गिरेंगे। अभी लेपर्ड वगैरह की आ गई है, कनौर की इम्पोर्ट आ गई है, लेकिन अभी फिंचेस वगैरह में इसकी इम्पोर्ट नहीं आई, गोल्डियन की आ गई है फिंचेस में। सही, मैं आपको कि आपने पैक नहीं आई लेकिन गोल्डियन की आ गई है। चलें, एक और काफ़ी ज़बरदस्त सी चीज़ नज़र आ रही है, इसके बारे में हमें बताएंगे क्या चीज़ है? बेसिकली पाइड में ऑरेंज फेस है, पाइड में ऑरेंज फेस कम ही आपको देखने को मिलेगा। सही, वाले पीस होते हैं तो ये आगे क्या निकालता है वैसे? ये फिलहाल जिसके घर से लिया उसके पास में इसका ओरिजिनल ने निकाला, बिल्कुल ऑरेंज का मेल निकाला हुआ था, बहुत प्यारा मेल निकाला है, तो ये वैसे ब्रीडर प्यार है, उसने लास्टिंग अपने खुद ही सही की है। सही सही, ये जल्दी वेट करेगा। चले इंशाल्लाह, इसका कैमरा बार निकालते हैं और दिखाते हैं। वैसे इसका कोई मार्केट क्या रेट होता है, लोगों को पता भी होता है इसका या नहीं? अच्छा, इसका मार्केट के हिसाब से आप लेके जाओगे ना मार्केट में, जिसको पता होगा वो आपको इसको बहुत अच्छा रेट दे देगा, लेकिन मार्केट में मोस्टली कम ही लोगों को इसका पता होता है, जो बड़े जो स्कीम बैठे हैं उनको पता होगा। और ये पेयर वैसे ऑनलाइन जो है इजीली 7 से 8 हज़ार का बिक जाता है। अगर इस साइड पर जाएँ तो ये नीचे ये भी एक ऑरेंज का पेयर है, ये तो मेरा फेवरेट पेयर है, सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे काफ़ी लोग इसे मांग रहे हैं। इसकी फीमेल साथ आपने कौन सी लगाई है? ये ऑरेंज की फीमेल है, इसमें जो फीमेल होती है उसकी चेस्ट ऑरेंज नहीं होती, इसकी बैक में कहा ऑरेंज शेड आता है बस, तो वही मैं देखा था, इसमें बड़ा सादी पिंच ही है। नहीं नहीं, ये काफ़ी लोगों को होता है, ये टू बी को ऑरेंज से कर देते हैं, लेकिन टू बी एक अलग चीज़ है और ऑरेंज एक अलग फीमेल है। इस साइड पर भी आपको दिखाते हैं, ये
अब इसके बारे में बताइए, ये भी सेम ऊपर वाला पेयर है जी, ये भी ऑरेंज का पेयर है। ये जो ऑरेंज के ये वाला मेल भी है, इसके ऊपर मेल का ही भाई है, लेकिन ये नीचे वाला मेल है ना, ये क्वालिटी में ज़्यादा कम है, बेसिकली इसी चेस्ट में ब्लैक लाइनिंग आ गई है ना। सही सही, लेकिन ये ऊपर वाला मिल जाएगा क्वालिटी का। और अगर इस साइड पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। हाँ जी सेम वही चीज़ नहीं, ये मेल्स का, लेकिन इस मेल में भी वो इशू आ गया ना, है ये सारे ओरिजिनल से निकले हुए हैं, लेकिन इसकी चेस्ट में ब्लैक ज़्यादा लगता है। आपने एक ही बंदे से परचेजिंग किया, सारे एक जैसे हैं? नहीं नहीं, अलग अलग है, लेकिन ये है कि ये फीमेल इसकी ऑरेंज, इंशाल्लाह ऑरेंज ही बच्चे निकाले इंशाल्लाह। इस साइड पर एक और ये फिंच नजर आ रही है, इसका बताएं, फीमेल का साइज तो काफ़ी बड़ा है इसमें, ये मेल का साइज भी बड़ा है, मेल का वैसे जरा थोड़ा सा पतला हुआ है मेल, लेकिन ये फीमेल बहुत हेल्दी है। ये दोनों एग्जीबिशन के पीस ही हैं, लेकिन मेल किंग के कहलेगा, क्योंकि वैसे एग्जीबिशन से एग्जीबिशन बहुत कम ही ब्रीड करते हैं, तो इसलिए एग्जीबिशन का किंग लगा देते हैं, लेकिन ये किंग क्रश का, इसके अलावा बच्चे भी क्रश नहीं निकलते हैं। फीमेल माशाल्लाह इसमें खूबसूरत है, ये पेयर भी आपको वैसे एक दफ़ा करीब से दिखा दूँ, कैमरा जाली की वजह से फोकस नहीं कर रहा, अगर आपको नज़र आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अब नीचे वाले पैर पे आते हैं, ये माशाल्लाह दोनों पीस ही खूबसूरत हैं, इसके बारे में बताएंगे ये कौन सा, और माशाल्लाह इनका साइज़ भी अच्छा वाला जॉइंट साइज़ है। ये भी फिंच की इमोलेशन है, बेसिकली सारे ये जॉइंट एग्जीबिशन साइज ही हैं, ना कुछ गर्मी से सताए हुए या कोई, इसका भी मैं सॉफ्ट प्रूफ वगैरह नहीं चाह रहा, तो थोड़े कमज़ोर हुए हैं, लेकिन सारे बड़े साइज़ के हैं, पतले हुए होंगे, मोटे मोटा पतले का फ़र्क होगा, लेकिन साइज़ का फ़र्क नहीं होगा, साइज़ का नहीं होगा। और इस साइड पे नीचे चलते हैं तो नीचे भी सेम वही चीज़ है, हमें एग्जीबिशन नज़र आ रहा है, ये इसमें जो मेल है वो ज़ेब्रा फिश का एग्जीबिशन मेल है, और जो फीमेल है वो वैसे वो भी ज़ेब्रा फिश। ये शायद वीडियो में आपको आइडिया ना आ रहा हो, इनका साइज़ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, स्पेशली मेल का। इसमें ये जिसके शो हो गया ना एग्जीबिशन, इसको बताया उसको जिनके फेस ही बदल सही है। साइड पे ये बड़े अच्छे बाद एक चीज़ नज़र आई है, वाइट चिक पहले भी मैंने रखी होती थी, अब कोई काफ़ी अच्छे से इसका पाला नहीं पड़ा, तो आप देख रहा हूँ ये वैसे एग्जीबिशन नहीं है, ये किंग साइज नहीं है, फीमेल जो है क्रस्टी है और मेल जो है वो सिंपल है, लेकिन ये बस शौक है, मिलती नहीं है, मैं कहते हुए इस साइज में मिलती नहीं है। चलें और इस साइड पर नीचे दिखाएँ हमें क्या है, इस साइज में वाइट ब्लैक चिक का मेल है, ब्लैक चिक फीमेल, ये सिंपल पेयर आपने वैसे लगाया है जी, वैसे शो फीमेल जो है ना एग्जीबिशन ही मेल किंग का है, सिंपल भी है। सही सही, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये सबसे पहला पेयर है, और फिंच का माशाल्लाह सबसे ऊपर बैठा हुआ है, नेस्टिंग वगैरह भी इसने के लिए नासिक भाई ने मेरे नेस्टिंग नहीं डाली इसको, नहीं अभी नेस्टिंग किसी को नहीं दी, जिसकी पुरानी पड़ी है वो पुरानी डाली हुई, हाँ पुरानी डाली या नहीं डाली, मैं जूम करके आपको माशाल्लाह बर्ड दिखा देता हूँ, ये सबसे ऊपर वाला पेयर है, उसके बाद निचला दिखाता हूँ मैं पेयर आपको, तो निचला पेयर माशाल्लाह देख सकते हैं आप, ये घोंसले के अंदर बैठा हुआ है पुरानी नेस्टिंग के अंदर ही, बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर नज़र आ जाए, ये देखें माशाल्लाह फिलहाल लाइन वगैरह तो कुछ नहीं है, वैसे बॉक्स के अंदर ही बैठा हुआ है, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। नीचे जाते हैं तो देखते हैं, ये भी माशाल्लाह अभी नेस्टिंग जिस तरह के बताया कि गर्मी है नहीं डाली बाकी बर्ड्स को, तो ये भी आप देख सकते हैं ऊपर बॉक्स पे बैठा हुआ है, इससे नीचे दिखाते हैं, ये सारी लाइन में ऑलरेडी लगी हुई है, इस साइड पे नेस्टिंग डली हुई है तो वो बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से वैसे नज़र आ रहा है कि इसने अंडे वगैरह अभी कुछ भी नहीं दिए, तो जिसकी वजह से अभी असल में नेस्टिंग भी नहीं डाली ना प्रॉपर के गर्मी है। और इसके बाद सबसे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर है, हाँ ये बैठा हुआ है, ये ऑरेंज का मेल है, इजाबेल, हाँ इजाबेल का मेल है, और साथ फीमेल भी फैंसी इजाबेल की टाइम में, सही माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, पास से आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, देखें माशाल्लाह फोकस करने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये देखें ज़बरदस्त चीज़ है, क्वालिटी वाली चीज़ है, और वर्किंग वाले पीस हैं, किस पर वर्किंग हो सकती है, ये देख सकते हैं, इधर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ जाए यहाँ से, ये देखें माशाल्लाह। इस साइड पे ये आपको दिखाते हैं एक पाइड बेंगलाइज का पेयर है, अगर ये खड़ी हो जाए टिक के, वैसे भी इन्हें मेल फीमेल का कैसे पता लगता है, जो मेल होता है वो ग्रोसली जो इजीली तरीके आप बता दो जिसमें आपको कन्फर्म होता है मेल लिस्टिंग करता है फीमेल लिस्टिंग नहीं करती, दूसरा बाकी जो है यूट्यूब में बड़े बड़े तरीके हैं, लेकिन ये उस तरीके में एक भी तरीके से मुझे नहीं पता, बेसिकली ईमेल के साइज के हिसाब से फीमेल लग लेती है, अपने नोज के हिसाब से भी, अपने सामत के हिसाब से भी, लेकिन वो बिस्टिंग कर बैठती है, तो इसमें बस यही होता है जब आप एक दो इकट्ठे रखते हैं तो बिस्टिंग करता है, तो लग सकती है मेल हो गई, जब खुमोशी की बैटरी में सही सही।
और इस साइड पे ये सिंपल बेंगलाइज है, ये पोस्टिंग के लिए आपने लगाया होगा, ये पोस्टिंग के लिए, ये सारी लाइन बड़ी बेंगलाइज, ये भी सारी लाइन देखें इधर बेंगलाइज लगी हुई है, और इस साइड पे भी बेंगलाइज है, ये अंदर एक बर्ड बैठा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह, ये अंडे इसने दिए हैं कि नहीं दिए अभी, ये अंदर क्या कर रही है, ये वैसे ही अंदर बैठी हुई है, चलें इसको डिस्टर्ब नहीं करते। और इधर नीचे देखते हैं तो इसको भी बॉक्स ने अभी लगा हुआ, ये भी बेंगलाइज का ही पेड़ है, सही सही। और अगर इस लाइन में आते हैं हम तो सेम चीज़ है, बेंगलाइज लगी हुई है, इधर भी बेंगलाइज लगी हुई है, क्योंकि नासिर भाई ने बॉक्स वगैरह नहीं लगाया, आगे जब ब्रीड आएगी तो इनको दोबारा से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, उसमें आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाएंगे। अभी तो गर्मी है तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बॉक्स वगैरह नहीं लगाए मोस्टली बर्ड्स का, लेकिन आपका सेटअप, इनका जो सेटअप है आपको बताता चलूँ, कोई तीसरी चौथी मंजिल पे है तो डायरेक्ट धूप आती है, कि यहाँ पे टेम्परेचर का काफ़ी इशू है, तो ये भी बेंगलाइज का ही पेयर है।